तो और भाई लोग कैसे आप लोग, आई थिंक आप सभी लोग बड़े ही होंगे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइनक्राफ्ट में RTX ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 2GB या 1GB रैम वाले मोबाइल में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखना ही देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि रोज मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप इस गेम प्ले में देख ही रहे होंगे कि कैसे पूरा मतलब शेडर्स है बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा इसमें लैग वगैरह नहीं भी दिख रहा है। तो आपको भी ऐसे अगर चाहिए तो बस वीडियो पर बने रहो, आपको मैं बताता हूँ कैसे आपने सब कुछ करना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो इसके जो शेडो वगैरह हैं वो भी बहुत बढ़िया आ रखी हैं, और जो इसका देख सकते हो डर्ट ब्लॉक वगैरह जितने भी ब्लॉक्स हैं उनमें टेक्स्चर आ रखा है, थोड़ा सा अलग टेक्स्चर है, ठीक है। अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे आपको पता चल ही जाएगा। और इसके जो टॉर्च की लाइट्स वगैरह हैं, टॉर्च की लाइट भी फुल रिफ्लेक्टिंग है, बहुत बढ़िया इसकी जो टॉर्च की रेज हैं वो दिखती हैं। तो आपको भी ये देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, मुझको पता है 1 या 2 GB रैम वाले मोबाइल में ये आराम से चल जाएगा। तो अभी दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ उसको अपने इंस्टॉल कैसे करना है अपने मोबाइल में। तो चलिए अभी जल्दी से आपको मैं बाहर जाकर दिखा देता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अपने ग्लोबल रिसोर्स पैक में चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक शेडर पैक मैंने इसमें डाल रखा है, ED शेडर। आपको भी ऐसे माई पैक्स में जाने के बाद इसको एक्टिव कर लेना है, और आपका ये एक्टिव वाले ऑप्शन में आ जाना चाहिए। बस इतना कर लेने के बाद अभी आपको दिखा देता हूँ ये वाला शेडर आपने डाउनलोड कैसे करना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको क्रोम पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं अपने क्रोम के जो डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में वहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको ईबी शेडर नाम का एक पैक दिख रहा होगा, ठीक है, ईबी शेडर एमसी पैक। इस पैक से ही आपका वो शेडर चलेगा। आपने करना क्या है, इस पर सिर्फ सिंपली से आपने क्लिक करना है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गलत हो गया। आपने क्या करना है, बस इस पर थोड़ा सा क्लिक ही करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास मतलब ऐसे माइनक्राफ्ट 2 लिखा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसलिए ये आ रहा है। तो आपको तो वो सिर्फ आप उस पर क्लिक करोगे अपने आप ही आप माइनक्राफ्ट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो अभी मेरी माइनक्राफ्ट थोड़ी सी ऑन हो रही है, तो 2 मिनट रुक जाते हैं। अभी आपको ये अपने आप ही उसमें इंपोर्ट कर देगा, कोई भी करने की दिक्कत आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो भी आप यहाँ पर देख सकते हो इंपोर्ट स्टार्टर लिखा आ चुका है। तो अभी यहाँ पर आपको लिखा आएगा फेल्ड, फेल्ड मेरे आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो लिख रखा है डुप्लीकेट पैक आर उसको डुप्लीकेट पैक क्योंकि उसको दिख गया इसलिए उसने और पैक मतलब इसमें इंपोर्ट नहीं किया है। तो आपका तो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगा ये वाला पैक, बस आपको इसमें एक्टिव कर लेना है। एक्टिव कर लेने के बाद आपने अपनी जो भी वर्ल्ड है उसको चला लेना है, बस आपके ये जो पैक है ये चल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको दोस्तों ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना, और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।